तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड जो बनने वाला है ना, वो कल ना 5 लड़कियों के साथ ना ऐसा ऐसा गंदा डांस कर रहा था ना क्लब में, और राजवीर को आपने पास आने दिया तो वो भी आपके साथ चीट करा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड। आजकल लोगों को ना सिर्फ प्ले बॉय लोग पसंद आते, मेरे जैसे सीधे साधे लड़के नहीं पसंद। नैना जी, हम चाहते हैं ना कि उस इंसान को आप भूल जाओ और किसी तरह एंगेजमेंट तोड़ो, आपकी लाइफ खराब हो जाए। हाँ बोल दो ना, क्या दिक्कत है, हाँ बोलने में क्या टेंशन है? मासूम, मैं परेशान हूँ अंदर से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल तुका 2.0। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट मासूम रजा। दोस्तों, आया हूँ एक नया सा प्रैंक जबरदस्त लेके। दोस्तों, ऐसा है कि मैं जहाँ पे हूँ ना, यहाँ से जस्ट 100 मीटर की दूरी में एक नैना जी हैं जो मेरे पड़ोस में रहती हैं, और पेशे में वो डॉक्टर हैं, और उन पे एक जबरदस्त वाला प्रैंक करने वाला हूँ। क्या सारी चीज़ें हैं, वीडियो में आप बने रहो, सारी बात बता के मैं आपका मजाक खराब नहीं करूँगा। एक बार कॉल कर लेता हूँ कि मैं आपके क्लिनिक के पास पार्क में हूँ, आप आ जाओ, देन उनका क्या रिएक्शन होगा आप लोग सुनो बस। हाँ जी नैना जी, क्या हाल है? बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे? ठीक है। कुछ कर रहे थे क्या आप? हाँ, बस अभी लंच हुआ था मेरा, तो ब्रेक था थोड़ा। तो खाना खा लिया आपने? हाँ जी, खाना तो खा लिया। तो खा लिया ना, तो उल्टे पैर आप दौड़े दौड़े आपके जैसे क्लिनिक के जो सामने जो पार्क है ना, वहाँ पे आइए, कुछ बात करना है अर्जेंटली। तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? आपसे कुछ काम था और आपसे बात करना था अर्जेंटली। अगर आप आज नहीं आते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, देन आपको आना पड़ेगा। मैं क्योंकि इतना है क्या? कोई इशू है क्या? कुछ है आपके बारे में, कुछ मेरे बारे में है, कुछ राजवीर के बारे में, जल्दी से आइए। तो रात को मिलते हैं ना घर पे आती हूँ मैं। कोई बात नहीं, प्लीज आप अभी आइए, क्योंकि अगर अभी नहीं आओगे ना फिर बात ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लीज आ जाइए एक बार, प्लीज। क्या सारी चीजें होगी, आप लोग बस वीडियो में बने रहो, वो आती है तब तक आप लोग वीडियो में बने रहो, कहीं मत जाना, बहुत मजा आने वाला है। हाय, सब ठीक है? हाँ बढ़िया, बताओ। टाइम है ना आपके पास? हाँ हाँ, बोलो ना। कुछ बात करना है आपसे, और मुझे लगा था कि आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, देन आपको मैंने इतना जल्दी बुलाया, और मुझे वहाँ से आने में भी टाइम लग गया, नहीं तो मैं सुबह ही आने वाला था और सुबह ही आपके घर आने वाला था। आप देखो, मुझे बुरा मत समझना, आपको लगेगा कि मैं कुछ मतलब क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा। अरे बोलूं, हुआ क्या है बताओ तो सही, क्या होगा? देखो नैना जी, हम जो बताने वाले हैं ना, शायद आपको लगेगा कि इसमें मेरा कोई फायदा है या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं मतलब हम चाहते हैं कि अब कुछ मत सोचना, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने कल देखा, कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा। तो नैना जी, आपको मेरा फ्रेंडशिप जो है, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं जितने दिनों से, उस हिसाब से तो मतलब थोड़ा हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं ना, जो मैं बताऊंगा। आप बताओ मुझे क्या है? आपकी कब इंगेजमेंट हुई बताओ? एक हफ्ते पहले हुई शादी, एक हफ्ते बाद है, 8 दिन होंगे। राजवीर कहाँ रहता है, क्या करता है, आपको कुछ पता है? नहीं पता है ना, बस इतना जानते हो कि वो बिजनेस मैन है, आपके फैमिली वालों ने उससे रिश्ता लगवा दिया। मुझे इस चीज़ से ऐतराज नहीं है, मुझे खुशी है कि आपकी शादी हो रही है, लेकिन जो वो कर रहा है, कल मैंने उसे देखा है, बोलने में शर्म आ रही है। वो क्या देखा तुमने? बताओ मुझे क्या हुआ, ऐसा क्या देखा तुमने उसके साथ, क्या हुआ है? वो बहुत अच्छा लड़का है। आपको दिखा रहा है, वो फैमिली वाले को दिखा रहा है, आपके फैमिली वाले को दिखा रहा है, वो अपने घर वालों को दिखा रहा है, दोस्तों को दिखा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे जगह घूम रहा है ना वो, मैं आपको बताऊंगा ना, आप अभी ये अंगूठी खोल के फेंक दोगे आप। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है, खोल के फेंक दोगे आप, सच बता रहे हो? कहाँ गई आपके अंगूठी? ये अंगूठी है ना, ये फेंक दोगे अभी? ऐसे कैसे हो सकता कि भाई, तो मैं बता रहा हूँ ना, जो मैंने देखा, क्योंकि जो मेरे अपने होते हैं ना, मैं उनके बारे में सोचता हूँ, और कहीं ना कहीं नैना जी, वो अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि 8 दिन बाद उसके शादी के बंधन में बंध जाओगे, देन उसके बाद जिंदगी भर पिसती रहोगी उसकी काले करतूत, मुझे पता है ना। और मैं आज गलती होगी मेरे से, मैं वो फोन घर पे छूट गया मेरे से, तो सबूत दो ना मुझे।
वो सुनना चाहते हो क्या कर रहा था कल? सुनना चाहते हो आप? हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ। ये जो तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड जो बनने वाला है ना, वो कल ना 5 लड़कियों के साथ ना ऐसा ऐसा गंदा डांस कर रहा था ना क्लब में, मुझे तो रोना आ रहा है। आप डॉक्टर हो, आप लोगों की इलाज करते हो, लोगों के बारे में जानते हो, लोग परेशानी में होते हैं उसके उसके बारे में जानते हो कि उसको इलाज कैसे करना है, लेकिन क्या बोलना है बोलो आप। देखो मासूम, तुम्हें गलतफहमी, मुझे गलतफहमी हुई है। हाँ, वो बहुत अच्छा लगा। वो आज रात में हम अभी इसलिए आ गए ना कि घर पे ड्रामा ना हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको अभी सीधे क्लिनिक पे आया और आपसे बात करने आया, ठीक है। देखो आपको पता नहीं शौक हुआ होगा, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो नैना जी, हम चाहते हैं ना कि उस इंसान को आप भूल जाओ और किसी तरह एंगेजमेंट तोड़ो, आपकी लाइफ खराब हो जाए। मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा अय्यास है, बहुत बड़ा अय्यास है। वो जो बोलता है ना कि मैं बिजनेस के काम से ट्रिप पे जा रहा हूँ या कुछ भी, वो थाईलैंड जाता है, वो बहुत गंदा इंसान है, आपको बिलीव नहीं होगा, बात समझो, बहुत बेकार इंसान है। मासूम, मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगी अभी? क्या तो आप उस इंसान से शादी करोगे जो अय्यास है? शादी के बाद क्या पता आपको किस तरह से रखेगा, क्या करेगा? आपको पता है उसकी दोस्ती ऐसे ऐसे लोगों से है ना, क्रिमिनल लोगों से है। मासूम, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जानती हूं, मुझे पता है, आप कैसा है, मैं सबको जानती हूं, बट मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो ये सब कर सकता है, मुझे सच में नहीं पता कि राजवीर ये सब कर सकता है। हम झूठ क्यों बोलेंगे आप ये बताओ, हम झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? हम क्यों झूठ बोलेंगे? हम आपका अच्छा साथ चाहेंगे ना, हम आपको झूठ बोल के मुझे मिलेगा क्या? मैं बस चाहता हूँ ना, नैना जी सुनो मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ ना उस इंसान से आप दूर हो जाओ, आपके लिए वो अच्छा नहीं है। मासूम, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा उस पे। मैं क्या करूं मासूम? क्यों हो रहे? रो मत प्लीज, सुनो मेरी बात सुनो नैना जी। नैना जी सुनो, रो मत प्लीज, सॉरी, मेरी बात सुनो, रो मत। मैं इसीलिए तो मैं चाहता था कि घर पे ना ड्रामा हो, ताकि आप किसी तरह बात को काट दो, टाल दो, रिश्ता तोड़ दो, ठीक है। रो मत प्लीज, रो मत, आपके आंखों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे। मेरी बात सुनो, ये मोबाइल दो मुझे, मैं रख रहा हूँ फोन, ठीक है। आपने कभी, आप इतने दिन क्यों लगाए शादी करने में, इतने दिन क्यों लगाए बताओ? क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं शादी करना चाहते थे बताओ? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना था, कुछ करना था, और वो मैं बन गई। बन गई तो फिर राजवीर, इतने सालों बाद राजवीर क्यों पसंद आया आपको? मेरे पेरेंट्स चाहते थे। पेरेंट्स चाहते थे, आप उनसे मिले थे, आप उनके बारे में जानते थे, उसकी बिहेवियर को जानते थे, फिर भी आप उस इंसान, अननोन इंसान पे कैसे भरोसा कर लिए कि वो आपके लिए अच्छा होगा? बस इतना बता दो मुझे, तब मैं कुछ बताने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात। आज आपसे ना दो बात करने आता, जो एक बात मैंने बता दिया, और दूसरी बात अब करूंगा जब आप उसके बारे में बताओगे कि राजवीर ही आपको क्यों पसंद हुआ, आप राजवीर पे क्यों ट्रस्ट किए, शायद इस वजह से कि बहुत देरी हो गई थी शादी की, या फिर इस वजह से कि नहीं राजवीर अच्छा इंसान से कर लेते हैं शादी, क्यों राजवीर अच्छा लगा था आपको? बस इसीलिए कि मेरी एज थोड़ी हो गई है और पेरेंट्स घर वालों की वजह से मैं शादी कर लूं, बस इस वजह से मैंने उसके लिए हां करी, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी से भी शादी करूं, किसी से भी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। कोई बात, रो मत, आप रो मत, दोस्त मानते हो ना मुझे? आप अपना मानते हो ना? हाँ, एक बात कहूँ मैं आपसे, पक्का ना? बुरा मत मानना, प्लीज आँख बंद करो प्लीज। मासूम तुम बताओ ना, मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करना है, उस इंसान से बात करना है सामने से, ठीक है, रो मत, आप रो मत। मासूम, मैं कैसे उसको, मेरे पास सबूत नहीं है, उसको क्या कहूँ? मेरे पास है ना, मैं दूंगा ना सबूत, रो मत। आपसे कुछ, पहले रोना बंद करो, मुझे कुछ सरप्राइज देना है, रोना बंद करो, सरप्राइज देना है कुछ, आप रोना बंद करो। क्या सरप्राइज है? कुछ है ना, आप आंख बंद करो फिर मैं बताऊँ। आंखें क्यों बंद करूँ? नहीं बंद करोगे तो नहीं मिलेगा सरप्राइज, आप देख लो, आंखें बंद करो। ठीक है, नैना जी सुनो तो, नैना जी इधर देखो, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो,
आपने इतने सारे लोगों को ठुकराया है, इतने सारे लोगों को आपने भूल मतलब पास नहीं आने दिया, और राजवीर को आपने पास आने दिया तो वो भी आपके साथ चीट करा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनो, आप मेरे साथ रहो। नहीं मुझे नहीं पता, मैं खड़ा नहीं होऊंगा जब तक आप मुझे नहीं अपनाओगे। मुझे नहीं पता नैना जी, सब आपके साथ धोखा कर रहा है, और मैं चाहता हूँ रहना साथ में, तो फिर आप क्या कह रहे हो? खड़े हो जाओ, क्या मेरे में कमी है बताओ? कमी तुम में कोई नहीं है, मैं एक से धोखा खा चुकी हूँ, अब और नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे तभी मैं उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। जिद मत करो बच्चों जैसी, जिद मत करो, खड़े हो। और आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ऐसे ऐसे लोगों पे भरोसा कर रहे हो जो अय्यास है, आपके से आपसे एंगेजमेंट कर लिया और आपके साथ ऐसा कर रहा है। नहीं मैं नहीं नहीं सुन सकता ना, खड़े हो। नैना जी मैं मेरी बात सुनो, नैना जी मेरी बात सुनो, मैं इतने लोगों के सामने आपके घुटनों पे आ गया, फिर भी आपको क्या चाहिए? वही सारा गला इंसान जो आपको आपके साथ गलत करेगा। मासूम तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा हूँ तो कहाँ एक्सेप्ट, अगर मैं अच्छा होता तो फिर आप एक्सेप्ट करते ना, आप तो मुझे ठुकरा रहे हो। मैं आपको ठुकरा नहीं रही मासूम, आप रियल में बहुत अच्छे हो, लेकिन अपनी दोस्ती का जो हमारा लेवल है ना, वो उसको मैं बनाए रखना चाहती हूँ, उसको बनाए रखना चाहती हूँ, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। नहीं नहीं ना जी, हम देख लिए कि मेरे लाइफ में अब कोई नहीं रहा। आजकल लोगों को ना सिर्फ प्ले बॉय लोग पसंद आते हैं, मेरे जैसे सीधे साधे लड़के नहीं पसंद आते हैं। तुम समझ नहीं रहे। क्या समझूं मैं? नहीं नहीं ना जी, मैं क्या समझूं? मुझे कुछ समझना नहीं ना, आप अगर आपको अगर समझना होता ना तो आप समझते, आप समझे मेरी बात? एक भी नहीं समझे मेरी बात, आपको बस राजवीर जैसे लड़के अय्यास लड़के आपको पसंद है, जो आपको ना शादी के बाद भी छोड़ के जाएगा, और मैं अभी भी साथ रहना चाहता हूँ, आगे भी साथ रहना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम दो, मैं इतने बड़े शौक से निकली हूँ, मैं क्या कहूँ आपको, आप समझ नहीं रहे हो। कितना टाइम चाहिए बताओ? मुझे घर जाने दो, जाओ आप, राजवीर जैसे लड़कों के साथ ही रहना, मेरे जैसे लड़के आपको पसंद कहाँ से आएंगे? मासूम तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम। सोच लो, आपने हाँ करा है? मैंने हाँ नहीं कही है, मैं बोल के जा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। कितना दिन टाइम चाहिए? हाँ करके जाओ, फिर जाऊँगा, जाने दूंगा, ऐसे नहीं। मासूम मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा, मासूम मेरा हाथ छोड़ो। हाँ बोल दो ना, क्या दिक्कत है, हाँ बोलने में क्या टेंशन है? मासूम मैं परेशान हूँ अंदर से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि किसी ने मुझे धोखा दिया है, प्लीज बस हाँ बोल दो और चले जाओ। तुम समझो, मुझे हाँ सुनने की आदत है, और मुझे नहीं चाहिए कि मेरी दोस्त को और कोई तकलीफ हो आगे से। देखो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ना मासूम, आप बनोगे ना मेरे दोस्त? बनोगे ना? हाँ, मैं बनूंगी। पक्का? हाँ, पक्का। ठीक। पांक। हाँ? सुनो नैना जी, एक मिनट मेरी बात सुनो, नैना जी सुनो, गर्लफ्रेंड मत बनो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुन लो, एक मिनट इधर आ जाओ। अरे क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? राजवीर धोखेबाज है तो क्या, मेरे जैसे लड़के बहुत जिंदा है, रोना बंद कीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए तो, अरे रो क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है, राजवीर कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा राजवीर, मतलब यही कि आपको पता है हम क्या करते हैं, मेरा काम क्या है, मतलब नहीं, मेरे को नहीं पता। नहीं पता? नहीं। आपको नहीं पता? नहीं पता। मैं आपको वीडियो नहीं दिखाता था अपनी, तो चैनल की वीडियो नहीं दिखाता था? हाँ दिखाते थे। पहले रोना बंद करो, आप रोना बंद करो, सामने देखो, वहाँ 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 पेड़ के पीछे दिख रहा कुछ, वो पेड़ के पीछे दिखा, कैमरा चालू है और प्रैंक हो रहा था आपके साथ, राजवीर ने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया वो, बात सुनो, यहाँ माइक लगा हुआ, देखो यहाँ माइक लगा हुआ। क्यों किया तुमने ये, क्यों किया? दोस्तों मेरी नैना जी कैसी लगी, क्योंकि मैं बहुत देर दिनों से सोच रहा था कि इनके साथ प्रैंक करूं, और इसमें ना राजवीर भाई भी ने कुछ साथ दिया है, और ऐसा कुछ नहीं है, कसम से वो बहुत अच्छा इंसान, तो मैं आपको बता दूंगा, तो फिर प्रैंक कैसे होगा, प्रैंक कैसे होता, मेरा वीडियो निकल गया। थैंक यू सो मच इतना बढ़िया रिएक्शन देने के लिए। हमारी पड़ोसी कैसी लगी नैना जी, और पेशे में डॉक्टर है, इनका नंबर नीचे डाल दूंगा, आप नंबर नहीं देने वाला, आप लोग परेशान करो, क्योंकि बहुत क्यूट है। क्यों रो रहे थे इतना? राजवीर से प्यार हो गया है ना? सच बताओ, राजवीर से प्यार हो गया है ना? हो गया। लेकिन आप मुझे क्यों गर्ल बॉयफ्रेंड बना रहे थे, ये पहले बताओ आप।
इसका जवाब मुझे चाहिए। कोई नहीं भाई, इस जन्म में नहीं तो अगली जन्म में बनेंगे जरूर। हाँ, क्योंकि शाहरुख खान इस जन्म में हम नहीं बन पाए ना, पिछले जन्म में था मैं शाहरुख खान। और मैं माधुरी। नहीं, आप काजल। हमारी नैना, सॉरी मेरी काजल कैसी लगी वीडियो में बताओ नीचे, और बाकी वीडियो को प्लीज बोलो ना फैला दो। सब्सक्राइब ही नहीं करता ये लोग, बोलो सब्सक्राइब कर दे थोड़ी सी प्लीज। एवरीवन, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अच्छे से व्यूअर्स सब लोग लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलो चलो नैना जी, इंजेक्शन लेके आ। क्या बोला तूने? बाय।